दुखद सर्वभूतानां नरध्वंसकरः सदा। हे ऋषियों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला एवं धर्म को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक बलवान राक्षस रहता था। वह महाबलवान कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षस से उत्पन्न था। वो कौन था? भीम नाम का राक्षस वो कुंभकर्ण का बेटा था। कौन था? कुंभकर्ण का बेटा, और सह्य पर्वत पर आकर के निवास करता था। कुंभकर्णे च रामेण हते लोक भयंकरे राक्षसी पुत्र संयुक्ता हे तिष्ठत स्वयं तदा। संसार को भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध किए जाने पर और राक्षसी स्वयं सह्य पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने आ गई थी। उसने जो है लंकापुरी छोड़ करके सह्य पर्वत दक्षिण भारत में उस पर्वत पर आकर के निवास करने लगी। करकटी उसका नाम था। सौ बाले गला भीम करकटी मातरम विजा प्रपच्छा च खलो लोका दुखलो भीम विक्रमः। हे जो सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी उस भीम ने बाल्य अवस्था में किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। उसने पूछा बाल्य अवस्था में कि मात्र में कौ पिता कुत्र कथम वे कागिनी स्थिता या तुम इच्छामि तत्सर्वं यथार्थं तव वदाधुना। हे माता, मेरे पिताजी कौन है और कहाँ रहते हैं, और तुम अकेली यहाँ क्यों रहती हो? मैं सब जानना चाहता हूँ, मुझे ठीक ठीक बताओ। तब सूची कहते ऋषियों एवं पृष्ठा ददा तेना पुत्रेण दाक्षी चासा वाचम पुत्रम सा दृष्टा सुविता कथयाम्यहम्। इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे और जिन्होंने राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। राम जी ने उनके भाई रावण के साथ उनको भी मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय वह बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया था और उसने बलपूर्वक मेरे साथ सहवास किया। उसके बाद कुंभकर्ण उसको यहीं पर छोड़ करके लंकापुरी चला गया। मैंने आज तक लंका देखी नहीं है, ना मैंने वहां कभी निवास करा। मेरे पिता का नाम करकट था और मेरी माता पुष्कसी थी। मेरा पति विनोद था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यही निवास करने लगी। मेरे पिता को सुतीक्ष्ण ऋषि ने भस्म कर दिया था और वे मर गए। वे दोनों उनको खाने के लिए गए थे, तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्ष्ण ने क्रोधित होकर के उन्हें भस्म कर दिया। ये सारी कथा बताई उस भीम की माता ने। इस प्रकार दुखी होकर के मैं बिना किसी सहायक एवं आश्रय से इस अकेले पर्वत पर रहने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर के मेरे साथ विवाह किया और मुझे छोड़ करके चला गया। हे पुत्र, उसके बाद तुम यहाँ उत्पन्न हुए और मैं तुम्हारे साथ अब समय बिता रही हूँ। जब इस प्रकार की सारी कथा उस भीम नाम के राक्षस को उसकी माँ ने बताई, तब सूजी कहते ऋषियों वो भीम बड़ा कुपित हो गया। और इस प्रकार रामचंद्र जी ने मेरे पिता तथा नाना का वध किया, इसने इसका विरोध और विराद का वध किया। इस प्रकार उसने जब सुना तो बहुत दुखी हुआ। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूं तो हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा, ऐसा कहकर भीम महान तप करने के लिए चला गया।
और मैं हरि को बहुत पीड़ा दूंगा ऐसा करने के लिए उसने तप किया। ब्रह्मा ब्रह्माणम च समुदेश्य वर्षाणाम च सहस्रगम। ब्रह्मा को उद्देश्य करके उसने हजारों वर्ष तक, 1000 वर्ष तक तप किया महाराज। वो राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि करके जो है पैर ऊपर करके, एक पैर उठा करके, एक पैर जो है मोड़ करके सूर्य की तरफ जो है दृष्टि करके तपस्या करने लगा। उसके शरीर से तप करते करते भयानक तेज उत्पन्न हुआ और तब देवता लोग उसके तेज से जब जलने लगे तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। प्रणम्य वेद संभक्ता तुष्ट भूमि तुष्ट भूमि तुष्ट विदेशवई दुखम निवेदया चक्रो ब्रह्मे तु सवाहा सवाहा। इंद्र सहित उस देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार से स्तोत्रों से भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करी। देवता बोले, हे ब्रह्मा जी महाराज, इस राक्षस के तेज से हमारी रक्षा कीजिए, ये इसका तेज हमको जो है बहुत पीड़ा देने वाला है और ये तो अब जला ही डालेगा, दर्द करने वाला है, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, देवताओं का वचन सुन करके ब्रह्मा जी बोले, प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि यत्ते मनसि वर्तते यदि श्रुता वेद वाक्य अब्रवी राक्षसो हि स। मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे मन में जो भी है वो वर मांगो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर के वो राक्षस ने कहा, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, मुझ पर अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे अप्रीतम बल दीजिए। ऐसा कह करके राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी भी उसे बर देकर अपने धाम को चले गए और भीम उस वरदान को पा करके वापस अपनी माता के पास पहुंचा सह्य पर्वत पर। और भीम कहने लगा, पश्चिमांतर बलम में मध्य करोमि प्रलय महा देवानाम संग्रह मुख्यानाम हरे तप साहिनाम। हे माता, अब मेरा बल का पराक्रम देखिए। ये विष्णु भगवान इंद्र की सहायता करते हैं और मैं विष्णु तथा इंद्र सहित इन सबका घोर विनाश कर दूंगा। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार प्रचंड पराक्रम वाले भीम ने सर्वप्रथम इंद्रादि देवताओं को जीत लिया और उनको अपने स्थान से भ्रष्ट कर दिया, अपने स्थान से बाहर निकाल दिया महाराज, और उसके बाद वहां पर अपना राज्य स्थापित कर दिया और देवताओं के द्वारा प्रार्थित। उसके बाद वो बैकुंठ लोक गया और वहां भगवान विष्णु को भी जीत लिया। इतना बलशाली हो गया वो दैत्य। तदंतर उसने प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम बनाया। पुरा सुदक्षिणम तत्व काम रूपेश्वरम प्रभु जेतु गतस्तस्ते नमासी भयंकर। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षिण जी को जीतने के लिए गया। वहां के राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से तथा महावीर तथा शिव भक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामेश्वर रूप को जीतकर बांध लिया और क्लेश देने लगा। हे जो उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त राजा का सामग्री से राज्य था सर्वस्व सब कुछ छीन लिया। उस धर्मात्मा राजा जो वो राजा था काम रूप, वह जो है भगवान शिव का भक्त था, उसको उसने पीढ़ियों में बांध दिया और एकांत में काल कोठरी में बंद कर दिया। तत्र ने नदा कृता पृथ्वी मूर्ति उत्तमा भजनम प्रारब्धम प्रिय काम। तब वहां उसने अपने कल्याणकारी की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन किया, भजन किया। अब वो काल कोठरी में जो वहां मिट्टी थी वहां और पूजन सामान तो कुछ था नहीं, जेल में बंद था वो, ये भीम नाम के राक्षस ने उसको बंद कर दिया था। अब वहां जेल में उसने आसपास जो मिट्टी थी उसी का ही शिवलिंग बनाया और अपने मन से भगवान का पूजन करने लगा और उसने अनेक प्रकार से भगवान का भजन
कीर्तन करना प्रारंभ किया और वो जो कामरूप का राजा था वो भगवान का भजन करते हुए नाम संकीर्तन करने लगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर सांस में हो स्मरण तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस हरि बोल सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जीवन तेरा, मेरी पूजा करते भी मैं सांच सवेरा, मेरी पूजा करते भी मैं सांच सवेरा, पूजा करते भी के साँझ सवेरा,
बोले भवानी शंकर भगवान की। इस प्रकार वो काम स्वरूप जो राजा है वो भगवान की पूजा करने लगा, ध्यान करने लगा, पार्थिव पूजन करने लगा। ये जो भीम नाम का राक्षस है इसने उसको जेल में बंद कर दिया और इधर उसकी पत्नी भी घर में रोज भगवान शंकर की पार्थिव पूजा करने लगी। और अब इधर भीमा शंकर को पता लगा, उसने सारे यज्ञ पूजन आदि सब बंद करवा दिए और उसने कहा कि आज के बाद सभी लोग जो यज्ञ आदि करेंगे सब लोग उस यज्ञ का फल मुझे अर्पण करेंगे, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, क्योंकि विष्णु को भी मैंने जीत लिया, देवताओं को भी मैंने जीत लिया, अब तुम्हारा राजा मैं ही हूँ, मेरे को ही जो पूजा पाठ यज्ञ जो करते हो उसका सारा फल मेरे को ही प्रदान करो। इस प्रकार भीमा शंकर ने कह दिया, भीम ने कह दिया और सारी पृथ्वी पर इस राक्षस ने अपना अधिकार कर लिया और सारी धर्मपरायण राजा की जो प्रजा थी वो सब देवताओं से प्रार्थना करने लगी। अब देवता लोग भी बड़े दुखी हो गए और देवता लोग एक दिन शिव जी के पास गए, प्रार्थना कर गए और वहां स्तोत्रों का पाठ करने लगे। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे देवताओं आने का कारण बताओ। तब देवता लोग कहने लगे, महाराज आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमें कुंभकर्ण की के करकटी का जो पुत्र है, कुंभकर्ण और करकटी का जो पुत्र है भीम, उसके द्वारा हमें बहुत दुख है, उसने सारे संसार को अपने बस में कर लिया महाराज और बहुत देवताओं को दुखी करता है महाराज, बहुत दुखी हैं हम, आप उस राक्षस से हमारा जो है उसका उद्धार करके हमको पीड़ा मुक्त कीजिए महाराज। तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं तुम दुखी मत हो, तुम मेरे जो मेरा भक्त है उस काम स्वरूप राजा के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरा भजन और पूजन ना छोड़े। तब सुतवाचो शिवो भी चौगणे साधम जगामो हित कामया स्वभक्त निकटम गुप्त हो रक्षाधमादरा। शिव जी भी अपने गणों के साथ लेकर राजा के कल्याणकारी कल्याण की कामना से आदर पूर्वक वहां गए और उनकी रक्षा के लिए गुप्त रूप से स्थित हो गए। इसी समय जो है उस कामरूप राजा ने पार्थिव पूजन प्रारंभ किया और सूची कहते हैं कि जब पार्थिव पूजन उसने प्रारंभ किया तो जो है ये जो भीम है, भीम नाम का राक्षस, इसको पता लगा कि कामरूप जो है राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहा है, ये जो है शिवलिंग आदि रखा हुआ है, निश्चय ही ये भगवान का पूजन करेगा। तब भीम बोला, है दुष्टात्मा राजा तुम इस समय क्या कर रहे हो, सच बता दो अन्यथा तुम्हारा वध होगा। सूजी कहते ऋषियों, काम स्वरूप राजा ने कहा, मैं भगवान शंकर का पूजन कर रहा हूँ और वही सब कुछ करने वाले हैं, जैसे होनार है वैसे ही होगी और मैं तो शिव के अधीन हूँ, शिवजी बड़े दयालु हैं और मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तब जो है भगवान शंकर वहां उस राजा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर तो वहां गुप्त रूप से थे ही उसकी रक्षा करने के लिए। भगवान शंकर ने आकाशवाणी से कहा, तुम धैर्य को धारण करो राजन और मेरी उत्तम भक्ति को करो, तुम्हें जो है इस दुष्ट से जो है मैं परित्राण दूंगा। तब राजा बोला, मैं अपने भक्तों की रक्षा करने वाले समस्त चराचर के स्वामी तथा निर्विकार भगवान शिव का भजन करता ही हूँ और करता ही रहूंगा। सूची कहते हैं, इस प्रकार राजा के वचन को सुन करके वो भीम नाम का जो राक्षस था बहुत क्रोधित हो गया और उसने उस राजा को मारने के लिए तलवार उठाई और जब तलवार उठाई तो भक्तो भीक्षे तेरे नित्यम की जानाति सुप्रीतिमि योगी नाम का निष्ठावे भक्तानां प्रतिपालने।
हे राजन, वो अनेक प्रकार से जो भगवान शंकर को लाने देने लगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर सेना लेकर के भीम ने उस राजा को धमका करके अपने भयंकर कृपाण से पार्थिव लिंग पर प्रहार किया। जो राजा ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया, उस भीम नाम के राक्षस ने उस पर अपने तलवार से प्रहार किया और राक्षसों के साथ उस महाबली भीम ने हंस करके भक्तों को दुख देने वाले अपने स्वामी को, स्वामी के बल को देखो, ऐसा कहा। और शिव जी बोले, हे भीम, देखो मैं ईश्वर हूँ, राजा की रक्षा के लिए मैं अब प्रकट होता हूँ। और भगवान शंकर उस पार्थिव लिंग के ऊपर से जो है, जैसे ही राजा ने तलवार मारी, भगवान शंकर उस पर वहां शिव के रूप में प्रकट हो गए। बोले भवानी शंकर भगवान की। और तब उस राक्षस को जो है भगवान शंकर ने त्रिशूल की नोक पर उठाया और उसको घुमा करके फेंका। और राजा के वो जो भीम नाम का जो राक्षस था, उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और उस दुष्ट का वध करके भगवान शंकर ने उसका उद्धार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भीमा शंकर भगवान की। और तत्पश्चात शिव जी बड़े अट्टहास के साथ वहां जो है जोर जोर से अट्टहास के साथ भगवान शंकर ने वहां पर नृत्य किया और उस भीम नाम के राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर डाले, खंड खंड कर दिए। उसके बाद शिव गणों ने राक्षसों के बीच घोर युद्ध हुआ और इसके बाद उससे सारी पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी। पर्वतों से समुद्र विशुद्ध होने लगे। सभी देवता ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए। इस बीच नारद जी महाराज वहां आ गए और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। नारद जी ने कहा, सम्यताम सम्यताम नाथ तुया विक्रम कारकम त्रिणे कश्चौकुठारो वे हन्यताम शिखमे वही। हे नाथ, आप हमें क्षमा करें, क्या त्रिण पर कुठार का प्रयोग करना उचित है? आप शीघ्र इसका वध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रभु शिव ने अपने अहंकार रूपी अस्त्र से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। और हे मुने, इस प्रकार शिव जी के द्वारा वे सभी राक्षस क्षण मात्र में समाप्त हो गए। और जिस प्रकार दावानल उत्पन्न अग्नि वन को जला डालती है, उसी प्रकार शिव जी ने सभी राक्षसों को क्षण भर में समाप्त कर दिया। उस समय किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि भीम की भस्म कहाँ है, कौन सी है। वो परिवार सहित भस्म हो गया। और इसके बाद शिव जी की कृपा सभी मुनीश्वरों तथा इंद्र आदि सभी देवताओं को शांति प्राप्त हुई शिव जी की कृपा से। उस समय महेश्वर क्रोध की ज्वाला एक बन से दूसरे बन तक फैलने लगी। इससे राक्षसों की वह संपूर्ण भस्म वन में सभी जगह व्याप्त हो गई। उससे अनेक कार्य संपन्न करने वाली ऐसी औषधियां उत्पन्न हुई जिनके प्रभाव से मनुष्यों के रूप में वहां वेश भिन्न भिन्न रूप में बदल गई। हे जुजो, उन औषधियों से भूत प्रेत पिशाच आदि दूर भाग जाते हैं। जगत ऐसा कोई कार्य नहीं जो उन औषधियों से नहीं होता। और भगवान वहां उस भीम नाम के राक्षस के नाम से ही जाने जाने लगे और भगवान का नाम वहां पड़ गया भीमा शंकर। बोले भीमा शंकर भगवान की। और भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे और वहां भीमा शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो लोग भीमा शंकर भगवान का दर्शन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं और उनका पूजन करते हैं, भगवान शंकर उनकी सब मनोरथें पूर्ण करके उनको उत्तम गति प्रदान करते हैं। बोले भीमा शंकर भगवान की। इत्येवं बाधिता संभ्र लोकानां हितकारका तत्रैवास्तवाना पिता स्वतंत्रतो भक्सलः। इस प्रकार भगवान शंकर के, इस भीमा शंकर की कथा हम सब लोगों ने सुनी और सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को इस कथा का वर्णन कराया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जो है समय भी 6:30 हो गया है और आज जो है इंद्रदेव जड़े बड़े प्रसन्न हैं।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी घुमायो, आयो जी मैंने राम सभी घुमायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर चूटेवा चोर न लूटे, हर चूटेवा को चोर न लूटे, हर चूटेवा को चोर न लूटे, हर चूटे दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान की जय। इस प्रकार सुंदर भीमा शंकर शिवलिंग की जो है हमने कथा सुनी, तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन हे मुनियो नंदी सरोवा चौधान चरितम शंभु श्रृणुते त्या महामुने यथा बभूव दुर्वासा शंकरो धर्महेतवे ब्रह्मपुत्रो बभूवाति तपस्वी ब्रह्मवित्त प्रभो
अनुसूया पतिर धीमान ब्रह्मा ज्ञा प्रतिपालक। हे महामुने, अब आप शंभु के एक और चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि का अवतार लिया और दुर्वासा के रूप में कैसे प्रकट हुए उस कथा को मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्रो बभुवादि तपस्वी ब्रह्मविद् प्रभो अनुसूया पतिर धीमान ब्रह्म ज्ञान प्रतिपालकः सुनिर्देशाद् ब्रह्मणो हि शास्त्री भगपुत्र काव्या सौत्रक्षकुल नामान्यो तपसे गिरि। भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में कैसे प्रकट हुए इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। बोले, पूरे समय में अत्रि नाम के ऋषि और उनकी पत्नी का नाम अनसुईया है, वे ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत समय तक त्रक्षकुल पर्वत पर तप किया और 100 वर्ष पर्यंत महाघोर तप किया दोनों ने। एक ईश्वर कश्य विकारी महाप्रभु सौमे पुत्र वरम दद्यादि निश्चित मानस। और वरदान मांगने में वरदान मांगा तो क्या मांगा? बोले, जो इस संसार का ईश्वर है वही मेरे पुत्र के रूप में मुझे प्राप्त हुए। बहुकालो विनी आयो तस्मिन् पति संतपः आविर्भूव तस्मादु सुचिर ज्वाला महेशी। इस प्रकार उत्कृष्ट रूप में प्रवृत्त हुए उन महर्षि का बहुत समय व्यतीत हो गया। तब उनके शरीर से अत्यंत पवित्र और बड़ी अग्निज्वाला प्रकट हुई। इतना तप किया के शरीर से अग्निज्वाला प्रकट होने लगी। तया तया सन खिला लोका दग्ध प्राया मुनीश्वरा तथा सुर से ही सर्वे पीड़िता वसवादय। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक प्राय जलने लगे और इंद्रादि सभी देवता श्रेष्ठ मुनिगण तथा समस्त सूर्यगण पीड़ित हो उठे। हे मुने, इसके बाद इंद्रादि सभी देवता एवं मुनिगण उस ज्वाला से पीड़ित होकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक गए और ब्रह्म देवता से प्रार्थना करी। देवताओं ने नमस्कार किया ब्रह्मा जी को, कहा, महाराज तत्र गत्वा रमानाथं गत्वा मुक्ताभिधीश्वरैः स्वदुःखं तव समाचक्षो विष्णवेनन्तकं मुने। ब्रह्मा जी को लेकर से सभी देवता लोग फिर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी को नमस्कार किया और कहा, दुख निवेदन किया। तदंतर भगवान विष्णु भी ब्रह्मा एवं देवताओं को लेकर के शीघ्र ही रुद्र लोक गए, भगवान शंकर के लोक गए। वहां शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी की स्तुति करी और शिव जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभो अत्रि ऋषि ने इतना घोर तप किया है कि उनके शरीर से जो ज्वाला उत्पन्न होती है वो सारे संसार को भस्म करने में समर्थ है। हे प्रभु, उस दुख से निस्तारण करने के लिए कोई हमें साधन बताइए, कोई साधन करिए। तदा ब्रह्मादयो देवास्त्रयस्ते वर्धसभा जगमुस्तदा श्रमं शीघ्रं ब्रह्मदातुं तदर्शये। इसके बाद ब्रह्मादि वरश्रेष्ठ वे तीनों देवता उन मुनि को वर देने के लिए शीघ्र ही आश्रम में पहुंचे अपने अपने वाहनों को लेकर के और अपने अपने चिन्हों के सहित तीनों देवता अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे वर देने के लिए। और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि, अब जो है आंखें खोलिए, हम आपको वरदान देने के लिए आ गए हैं। अत्रि वाचो, हे ब्रह्मन्ने विष्णु हे शिव पूज्यास्ते जगदाम मताः प्रभश्च स्वरा सृष्टि रक्षा संहार कारक। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आप सब तीनों लोगों के पूज्य प्रभु ईश्वर और उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाले माने गए हैं। मैंने सपत्नीक होकर के इस संसार के ईश्वर की तपस्या करी है, ना कि आप तीनों की तपस्या करी है। बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश, मैंने आपके लिए कोई तपस्या नहीं करी,
मैंने तो केवल इस ईश्वर की तपस्या करी है जो संसार को चलाता है, उस ईश्वर की तपस्या करी है और मैं उसको पुत्र रूप में चाहता हूँ। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, हे अत्रि ऋषि, हम ही इस संसार के ईश्वर हैं और सारे संसार को हम बराबर ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार को चलाते हैं और हम तुमसे प्रसन्न हैं और अब तुम्हारे पुत्र के रूप में हम तुम्हारे घर में जन्म लेंगे और तीन पुत्रों के रूप में हम तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। तब भगवान को देख करके अत्रि ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि आप अपने आश्रम में जाकर रहिए और कालांतर में हम आपके पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। इसी अपनी तपस्या को पूर्ण करके अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अपने आश्रम में आ गए और वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। तब अनेकों लीलाओं को करने वाले ब्रह्मा विष्णु एवं शिव प्रसन्न होकर के अनुसुईया के गर्भ में उत्पन्न हुए और समय पूर्ण होने पर मुनीश्वरों के द्वारा अनुसुईया से ब्रह्मा के अंश से साक्षात चंद्रमा उत्पन्न हुए और साक्षात विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी महाराज उत्पन्न हुए और साक्षात शंकर के अंश से साक्षात दुर्वासा ऋषि पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हुए। बोले भवानी शंकर भगवान की। तो दुर्वासा ऋषि का अवतार किसका अवतार है? भगवान शंकर का अवतार है। ये क्रोध की मूर्ति है दुर्वासा ऋषि, इनको जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है महाराज। ये भगवान के ही साक्षात अवतार हुए हैं और दुर्वासा ऋषि ने क्या किया? सूर्यवंशे समत्पन्नो यो अम्बरीशो रिपो भवत। अब देखो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि की कथा के साथ राजा अम्बरीश की कथा भी सुनाई। ये जो राजा अम्बरीश है सूर्यवंशी राजा है और एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान के परम भक्त हैं राजा अम्बरीश। भागवत जी में कथा विस्तार से है। तो सूर्यवंशी राजा अम्बरीश भगवान की परम भक्ति करते हैं और एक बार इन्होंने एकादशी का व्रत एक साल तक किया और जब साल पूर्ण होने को आया तो इन्होंने एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के लिए वृंदावन क्षेत्र में चले गए। वृंदावन क्षेत्र में चले गए, वृंदावन क्षेत्र चले गए और वहां जाकर के इन्होंने एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया, व्रत उद्यापन करने का निश्चय किया। सूर्यवंशे समुत्पन्नो यो अम्बरीशो रिपो भवत तत् परीक्षाम काशिस्तम सा शृणुता मुनीश्वर। अब जब इन्होंने व्रत के उद्यापन की योजना बनाई, सभी ब्राह्मणों को बुला करके पूजन आदि पाठ किया गया। अब दूसरे दिन त्रयोदशी में जो है एक द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत का उद्यापन होता है। अब थोड़े समय के लिए द्वादशी है, उसके बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। तब क्या हुआ कि ये दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। सोमरी सोने पवरा संदीप सापति ही नियम ही चकार सोम एकादश्याम प्रति निरम। और नियमों का पालन करते हुए राजा अम्बरीश ने जो है द्वादशी के व्रत का उद्यापन किया और दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। उस दिन थोड़ी मात्रा द्वादशी की थी। अब जब पारण करना था तो उसी समय राजा के पास दुर्वासा पहुंच गए। राजा ने स्वागत किया, महाराज आइए आइए, आपका स्वागत है। दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, मैं 10,000 शिष्यों के साथ आया हूँ। बोले, महाराज बहुत धन्य हो गए हम, आप आज हमारे द्वादशी का एकादशी का उद्यापन है, आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद करिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, हम जमुना जी में स्नान करने जाते हैं और आप यहाँ तैयारी करिए। अब इधर दुर्वासा ऋषि जमुना जी में स्नान करने चले गए
और इधर द्वादशी पूर्ण होने वाली है, त्रयोदशी आने वाली है। राजा को चिंता हो गई कि दुर्वासा ऋषि अभी तक आए नहीं। तब जो है ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, भगवान का चरणामृत ले लीजिए, उसी से आप जो है व्रत का उद्यापन कर दीजिए। जैसे ही राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के कहने पर चरणोदक लिया भगवान का, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां प्रकट हो गए और अब जो है क्रोधित होने लगे। अरे अम्बरीश, हमको निमंत्रण के लिए बुलाता है और पहले अपने आप व्रत का तूने पारण कर लिया, तब कहता है हमको भोजन करो। और इस प्रकार बड़े क्रोधित हो गए, अपनी जटा से जटा उखाड़ी और वहां से एक भयंकर राक्षसी को उत्पन्न किया और वो राजा को खाने के लिए दौड़ी। तब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र राजा का, राजा की रक्षा करने के लिए दौड़ा और उस राक्षसी को भस्म करके सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि को भस्म करना चाहते थे। आगे से दुर्वासा ऋषि दौड़ रहे, पीछे से सुदर्शन चक्र दौड़ रहा है। ब्रह्म लोक गए, विष्णु लोक गए, अंत में भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने कहा, महाराज जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाओ। वैकुंठ गए, तब भगवान विष्णु ने कहा, महाराज आजकल जो सुदर्शन चक्र मैंने राजा अम्बरीश की सेवा में भेज रखा है, आप उन्हीं की शरण में जाइए। तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के पास पहुंचे, महाराज सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सुदर्शन चक्र से रक्षा करने के राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रणाम किया, महाराज अगर मैंने अपने जीवन में एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक किया हो और भगवान का पूजन किया हो तो आपका यह तेज शांत हो जाए। जैसे ही जल के छींटे लगाए राजा अम्बरीश ने, उसी समय सुदर्शन चक्र का तेज शीतल हो गया और दुर्वासा जी को जो है अभय प्रदान किया। अब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश को कहने लगे, हे राजन आप धन्य हो, आपकी भक्ति धन्य है और मैं आपकी शरण में आया हूं। राजा अम्बरीश कहने लगे, भगवान मैं आपका दास हूं, महाराज आप तो किसी श्रेष्ठ है, आप मेरे वहां प्रसाद पाइए। तो ये राजा अम्बरीश को और दुर्वासा ऋषि को ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और वैकुंठ लोक जाने में कितना समय लग गया था, एक साल का समय लग गया था। एक साल तक राजा अम्बरीश ने कोई भोजन प्रसाद नहीं किया था, वो दुर्वासा ऋषि के इंतजार में बैठे थे। आज दुर्वासा ऋषि को जब वापस आए तब राजा अम्बरीश ने उनको भोजन प्रसाद कराया। उसके बाद राजा अम्बरीश ने जो है अपने आप भोजन किया। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की भक्ति को प्रकाशित किया। बोले भगवान शंकर की और लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार सुंदर कथा को सुजी महाराज ने राजा सभी ऋषियों को सुनाया। और इस प्रकार अब कथा का समय हो गया है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए हमारे बीच में हमारे ही दोनों पुत्र और एक बेटी है, ये आपको भजन के साथ इस कथा को हम विराम देंगे। ये दोनों भजन गाते हैं बड़े सुंदर भाव से, जोरदार तालियां इधर बच्ची के लिए। ये हमारे छोटे भाई की बेटी और वो बेटा, ये दोनों संगीत सीख रहे हैं। तो आज यही भजन कथा के विराम देने के लिए भजन का प्रसारण करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। Thank you.
मेहमान सब अपने भूले
महोदय